अपराध के कई मामले सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला महितपुर से सामने आया है, जहां दो पक्षों में मामूली विवाद ने बड़े झगड़े का रूप ले लिया और तीनों व्यक्ति ने मिलकर मृतक कृपाल के माथे पर बंदूक के बट, फावड़ा और पाइप से हमला किया, जिससे मृतक के माथे पर गंभीर चोट आने से युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मृतक के मामा गोकुल सिंह की रिपोर्ट पर महितपुर रोड पुलिस ने भादवी की कई धाराओं में आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। टीआई देवीलाल चौहान के अनुसार घटना के बाद से ही आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। थाना प्रभारी के मामलों की जांच न करने के चलते थाना क्षेत्र में 2 माह में यह दूसरी हत्या का मामला है। महितपुर के अंजन भाटिया की हत्या के मामले में 2 महीने बीत जाने के बाद भी कोई खुलासा नहीं हो सका है। अभी जो हमारे यहाँ गोकुल सिंह ने जो रिपोर्ट किया है, मृतक का मामा है, और उन्होंने बताया कि ये इनकी पुरानी रंजिश चल रही थी, भगवान सिंह और इनके आपसी झगड़े थे और पुरानी रंजिश के कारण कल रात में इनने मारपीट किया और मारपीट करके उसकी हत्या कर दिया। इसमें सर कितने आरोपी हैं और कौन कौन हैं? इसमें 3 आरोपी बताए उन्होंने, नाम जब बताए, एक भगवान सिंह, एक राहुल और एक गब्बर सिंह। किन धाराओं में सर केस दर्ज किया गया है? धारा 302, 323, 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीकृत कर केस नाम दिया गया है। आरोपी गण घटनास्थल से फरार हो गए हैं, इनकी तलाश जारी है। महितपुर से जुबैर खान की रिपोर्ट।